बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू के बाद दोबारा काम ना करने को लेकर दीपिका पादुकोण ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, वहाँ के लोग बाहरी देशों के लोगों को किस नजर से देखते हैं? जब भी मैं यूएस जाती हूँ, मुझे कुछ बातें दुखी जरूर करती हैं। मेरी जान पहचान के एक एक्टर हैं, जिनसे मैं वैनिटी फेयर पार्टी में मिली थी, जिस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि हे, वैसे तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बात का मतलब क्या था, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हूँ, क्या उनके दिमाग में ऐसी सोच थी कि हम इंग्लिश नहीं बोलते? शाहरुख खान ने ट्वीट शेयर कर चिकन 65 सीखने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही फिल्म जवान की शूटिंग के टाइम होने वाली मस्ती भी अपने फैंस के साथ शेयर की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, क्या जबरदस्त 30 दिन थे। सौभाग्य था कि थलाई भी सेट पर पहुंचे थे। नयनतारा के साथ फिल्म देखी तो अनिरुद्ध के साथ पार्टी की, विजय सेतुपति के साथ डिस्कशन किया और विजय ने मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाए। एटली और प्रिया का शुक्रिया है जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया, और अब चिकन 65 रेसिपी सीखने की जरूरत है। हाल ही में अनुष्का अपने पति विराट और बेटी वामिका के साथ स्पॉट हुई थी। इस दौरान वामिका की फोटो लेने वाले फोटोग्राफर पर अनुष्का खूब भड़की, जिस पर अब नेटिजंस ने रिएक्ट करते हुए अनुष्का के बिहेवियर पर उन्हें स्लैम किया है। ब्रह्मास्त्र और उनके कलेक्शन को लेकर सवाल उठाने वालों को करण जौहर ने करारा जवाब दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, इंडस्ट्री के लोग आलोचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन उनका नकारात्मक होना बिल्कुल गलत है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आप ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर सिनेमा के एक्सपीरियंस को ज्यादा रिस्पॉन्स मिले, ताकि हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। मुझे सिर्फ यही एक चीज परेशान करती है कि इंडस्ट्री के ही कुछ लोग कभी कभी एक फिल्म के बर्बाद होने का जश्न मनाते हैं। मलाइका अरोरा ने इंस्टाग्राम पर बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की फोटो शेयर कर उनके फैशन की जमकर तारीफ की है। फोटोज में अर्जुन अलग अलग पोज देते नजर आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस मोनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिसमें वो ऑरेंज रंग के ड्रेस में हॉटनेस का तड़का लगाती नजर आ रही है। डालिए एक नजर। प्रेग्नेंट बिपाशा बासु आज मुंबई में स्पॉट हुई। इस दौरान अपने नन्हे फैन से मिल वो काफी खुश हुई और रेड ड्रेस में बेबी बम को फ्लॉन्ट किया। इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर कंगना रनौत ने खास अंदाज में विश किया है। इंस्टा स्टोरी पर अपनी फिल्म तेजस से अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, तेजस की टीम की तरफ से ग्रीटिंग्स टू ऑल आर एयर वॉरियर्स फ्रॉम टीम तेजस। इस खास मौके पर कंगना ने अपनी अगली फिल्म तेजस की रिलीज डेट की घोषणा की है और बताया है कि ये फिल्म अगले साल यानी 2023 के मिड समर तक रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में वो इंडियन एयरफोर्स पायलट तेजस गिल की भूमिका में नजर आएंगी। मेगा स्टार चिरंजीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर फिल्म गॉडफादर को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के लिए सलमान खान को थैंक्स कहा है। थैंक यू माय डियर सलू भाई and congratulations to you too, because Masoom Bhai is a force behind Godfather's stupendous success. Thank you and love you so much. Vande Mataram.